जी रविंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, हम लोग अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि दिल्ली में चल रहे रेसलर्स प्रोटेस्ट के ऊपर है। आलिया ही ब्रजभूषण सिंह ने भी एक इंटरव्यू दिया है सत्यपाल मलिक जी के बाद, और उसमें उन्होंने बताया है कि वो बेकसूर हैं। उन्होंने ये कहा कि बजरंग पुनिया और दीपेंद्र हुड्डा ने मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची है, जिसका उनके पास ऑडियो भी है। उन्होंने यहाँ तक कि अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा है कि उन्होंने आंदोलनकारियों का समर्थन नहीं करके सही काम किया, क्योंकि उनको सारी सच्चाई पता है, इसीलिए वो शांत हैं। क्या कहना चाहेंगे ब्रजभूषण जी के इन बयानों पर आप? देखिए, ये एक फंसा हुआ आदमी जो तड़प रहा है, ये उसका बयान है, थका हुआ बयान है और कुछ नहीं है। उन्होंने तो चुनौती दे डाली कि प्रियंका चुनाव लड़ें तो अगर वो जीत जाएं तो मैं राजनीति छोड़ दूं, संन्यास ले लूं, ये ले लूं, और होगा ये कि दीपेंद्र बाद में पछताएंगी प्रियंका और कहेंगी कि दीपेंद्र ने फंसवा दिया। वो बार बार अपना निशाना केंद्रित कर रहे हैं हरियाणा की तरफ, और वो बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ हरियाणा के पहलवान मेरा विरोध कर रहे हैं, और उसमें भी ख़ास तौर पे एक अखाड़ा और एक परिवार, और इसे वो राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। वो दरअसल इसे डाइवर्ट करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ। अपने से जब आपसे नहीं संभलता तो आप अपने से बड़े के ऊपर आरोप लगवाना शुरू कर देते हैं कि साहब देखिए, ये मेरी नहीं, आपकी बेइज्जती हो रही है, तो इसमें मदद कीजिए। ये मदद की गुहार है इनडायरेक्टली, और फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं है ब्रजभूषण सिंह का, क्योंकि चाहे वो ऑडियो क्लिप कुछ भी थी पुनिया की सबकी, आपने नैतिकता के तौर पे ना तो इस्तीफा दिया, ना वो जांच रिपोर्ट जिस तरह से हुई है सबको मालूम है। और फिर दोबारा से कहूँगा कि उस दिन जब हम लोगों की चर्चा हुई तो लाइट और पानी रात में जोड़ दिया गया, जब बाद में आपकी हमारी बात हुई जी। उससे पहले खिलाड़ियों का इस तरह से उत्पीड़न, और सबसे बड़ी बात, इस देश में क्या ये शर्मनाक नहीं है कि खिलाड़ियों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रोशन करते रहे उन्हें सड़क पर बैठना पड़े? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह अगर इतने ही नैतिक बल वाले थे और इतने ही वो थे तो उनके घरों पर जाते, उनके धरने पे जाते, जाके माफ़ी मांगते और कहते भाई आओ, कौन सी बात है, किसकी बात है, आइए, करते हैं, उनके घरों पे जाते इतने दिन में? देखिए, तरीके तो बहुत होते हैं, लेकिन वो अच्छी राजनीति और अच्छी परंपराएं समाप्त होती जा रही हैं। और अपने पे आरोप को कभी भी सच, किसी आरोप पे भारतीय जनता पार्टी के किसी आदमी ने आज तक कोई आरोप माना है क्या? आज तक नहीं माना। किसान आंदोलन वापस लिया था, लेकिन कहीं भी और कोई दुख तो नहीं प्रकट किया कि साहब इतने मर गए या वो हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी बातें, एक आचरण और व्यवहार ऐसा हो गया है राजनीति में कि जो कुछ है मैं और हम ही हैं सब कुछ, ये उसी को वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और अखिलेश यादव की सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव क्यों कूदेंगे भाई पराई आग में? उन्हें क्या जरूरत पड़ रही है इसमें जाने की, है ना? अगर यूपी के पहलवान होंगे या उनके निकट के होंगे तो जरूर जाएंगे, और वो संवेदना भी व्यक्त करेंगे, उनका साथ भी देंगे। अब चूंकि वहाँ पर भाई सहवाग भी चले गए, तो वो तो खिलाड़ी थे, प्रियंका चली गई, सब चले गए, जयंत भी चले गए, तो जयंत चले गए तो आधे अखिलेश तो चले गए। अगर जयंत वहाँ गए हैं तो भाई आधे अखिलेश जी तो चले गए ना, तो ये कहना उनका ब्रजभूषण सिंह का सही नहीं है। और ये मेरा मानना यही है कि वो डाइवर्ट करके इस लड़ाई को राजनीतिक बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस और दूसरे लोग इसके पीछे हैं तो भाजपा वाले उनके साथ आ जाए, मुझे ये लगता है। जी पुष्पेंद्र जी, रविंद्र जी, उन्होंने अखिलेश जी का नाम लेके, ब्रजभूषण सिंह जी ने जो अखिलेश जी का नाम लिया है, कहीं ना कहीं इससे अखिलेश जी की छवि को फायदा होगा, नुकसान होगा? क्या कहना चाहेंगे आप? डूबते को तिनके का सहारा, वो भी जबरदस्ती तिनका खोज रहे हैं कि कहीं से तिनका मिल जाए। अब मान लीजिए वो अखिलेश जी का नाम ले रहे हैं तो चलिए कम से कम बुरे दिन में उनको अखिलेश जी याद तो आए, तो ठीक है। अभी इस मामले में बहुत बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया है आदरणीय शर्मा जी ने, उसमें कुछ भी ऐड करने लायक नहीं है, तो ठीक है, वो उनको मुबारक। दूसरी बात, बुरे फंसे हुए हैं, बुरे फंसने के बाद में ये इसको मोदी जी की तरफ जो डाइवर्ट कर रहे होंगे, उतना डीपली में नहीं गया, वो जाट वर्सेस ठाकुर बनाना चाह रहे हैं इस पूरे पूरे मामले को। मुझे खबर है कि एक सेना तैयार कर रहे हैं जिसको लखनऊ दिल्ली में ले आएंगे प्रदर्शन कर, तो जाट वर्सेस ठाकुर जितना भी बनाने की कोशिश करेंगे तो जाट एक जगह नहीं है, पूरा ईस्टर्न यूपी, पंजाब का बड़ा हिस्सा, पूरा का पूरा हरियाणा, राजस्थान का बड़ा हिस्सा अगर वो बनाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी की टांगे ही खींच रहे हैं घूम घुमा के। दूसरा जो सबसे आश्चर्य का विषय है, जो पॉक्सो एक्ट है उसमें तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है जी। दूसरा, 24 घंटे के अंदर में सुरक्षा मुहैया करा के जो पीड़िता है उसका 164 जो माननीय न्यायाधीश के सामने बयान होता है उसको बयान करवाने का प्रावधान है। इन प्रावधानों की अनदेखी क्यों की जा रही, क्योंकि जब वो मामला है, हो सकता है एफआईआर भी लगा देगी, मामला घूम घुमा के जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा और ये बच्चियां दृढ़ निश्चय की हुई है, तो यही प्रश्न जैसे अभी उस वाले अतीक वाले प्रश्न में पूछा गया कि
वैन वैन में क्यों नहीं लेके गए, परेड क्यों कराए, जी फिर कैसे पता लग गया अपराधियों को कि वो मारने आ रहे थे। इस केस में भी यही होगा कि जब पॉक्सो पॉक्सो लगा दिया गया था और आप ही लगाए हो, हम तो लगाए नहीं है, हमारे पास तो तुम आए नहीं, हमारे पास आए कारी बता दिया साहब FIR दर्ज हो रहा है, तो जब पॉक्सो लग गया तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, 24 घंटे के अंदर बयान क्यों नहीं हुआ। 24 घंटा तो बहुत होता है डराने धमकाने और साक्ष्यों को विलोपित करने में, तो जो कानूनी प्रक्रिया का मजाक अभी भी उड़ रहा है वह गलत है, नहीं उड़ना चाहिए। हाँ ये भी एक बात है कि इसका बहुत ज्यादा मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा या जन आंदोलनों के द्वारा भी इसको प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए, इस पे क्लियर कट आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो एक 2024 का जो है ये ट्रायल शुरू हो गया है, 2024 तक आते आते ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हो। जी रविंद्र जी।